एक जंगल में दो बिल्लियां दोस्त हुआ करती थी। दोनों मिलजुल कर हर जगह साथ में ही जाते थे। दोनों बिल्लियों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो हर जगह साथ में ही जाती थी। यहाँ तक कि वो शिकार भी साथ में ही करती थी और मिलजुल कर रहती थी। एक दिन की बात है, दोनों बिल्लियों के हाथ एक ही रोटी लगी। अब यह तय होना था कि इसको खाएगा कौन। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों झगड़ने लगे। दूर बैठा एक बंदर यह सब तमाशा देख रहा था। वह पेड़ से नीचे उतरता है और दोनों बिल्लियों को पूछता है कि आखिर समस्या क्या है। बिल्लियां समस्या बताती है और बंदर से उसका हल पूछती है। बंदर बड़ा ही चालाक था। उसने बिल्लियों से कहा कि वो रोटी के दो टुकड़े करेगा और दोनों में बांट देगा। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए और दोनों को बांट दिए। बिल्लियां फिर से झगड़ने लगी। एक बिल्ली ने दूसरी से कहा, अरे तेरी रोटी का टुकड़ा मेरी रोटी से बड़ा है। अब बंदर उस बड़े टुकड़े को लेकर थोड़ा सा खा लेता है और फिर बिल्ली को दे देता है। फिर समस्या हो गई। दूसरी बिल्ली बोली, अरे अब मेरा टुकड़ा छोटा हो गया और इसका बड़ा है। बंदर ने फिर रोटी ली और थोड़ा सा खा लिया। इसी तरह से बिल्लियां झगड़ती गई और बंदर रोटी को बारी बारी खाता गया। अब अंत में एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। बिल्लियां बंदर की शैतानी को समझ गई और बंदर से बोली, भाई हमें ये टुकड़ा ही दे दो, चलेगा। यह बात सुनकर बंदर बोला, इतनी देर से मैं मेहनत यूं ही कर रहा हूँ, अब ये मेरी मेहनत का है, और वो टुकड़ा भी खा गया। बंदर रोटी खा कर चला गया और बिल्लियां एक दूसरे को ऐसे ही ताकती रह गई। हमें अपनी समस्याएं खुद सुलझानी चाहिए।